प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल के पुराने नियम से एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है नूह और उसका नाव। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ईश्वर ने जब इस पृथ्वी और वहाँ के सब जीव जंतुओं को बनाया, तो उसने अंत में मनुष्य को अपने सदृश बनाया। ईश्वर अपनी रचना से खुश थे। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और उनमें पाप भी बढ़ते गया। लोग ईश्वर से दूर होते गए, लेकिन एक मनुष्य था जो अब भी परमेश्वर की नज़र में ईमानदार था तथा परमेश्वर को प्यार करता था। उसका नाम था नूह। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगी है। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी। केवल नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। नूह एक सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। नूह की एक पत्नी और तीन पुत्र थे, सेम, हाफ और याफेत। प्रत्येक पुत्र की एक पत्नी थी। इस प्रकार नूह के परिवार में 8 व्यक्ति थे। अब नूह ने एक विचित्र काम किया। परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा नाव बनाने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा, नाव 3 मंजिल ऊंचा बनाना और उसमें कमरे रखना। वे कमरे नूह और उसके परिवार के लिए, पशुओं के लिए और सबके भोजन के लिए थे जिनकी उनको आवश्यकता होगी। परमेश्वर ने नूह से यह भी कहा कि वह उस बड़े नाव को इस तरह पक्का बनाए कि कहीं से पानी अंदर ना जा सके। परमेश्वर ने कहा, मैं जल का एक बहुत बड़ा सैलाब भेजूंगा और सारे संसार को नष्ट कर दूंगा। प्रत्येक जो उस बड़े नाव में नहीं होगा मर जाएगा। नूह और उसके पुत्रों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और नाव को बनाना आरंभ किया। परंतु दूसरे लोग केवल हंसी उड़ाते थे। वे दुष्ट होते चले गए। किसी ने नूह पर विश्वास नहीं किया। जब वह उनको बताता था कि ईश्वर क्या करने जा रहा है। जब नाव बनकर तैयार हुआ, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तुम अपने परिवार के साथ साथ सभी प्रकार के प्राणियों के नर मादा का एक एक जोड़ा नाव में लेकर प्रवेश करो, जिससे वे भी तुम्हारे साथ जीवित रहें। परमेश्वर ने सब प्रकार के पक्षियों को भी लाने को कहा। नूह ने वैसा ही किया जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। इन सब के प्रवेश करने के बाद परमेश्वर ने नाव के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। नाव के बाहर अन्य सब लोग पहले की तरह प्रतिदिन का जीवन व्यतीत करते रहे। उनको अभी तक विश्वास नहीं होता था कि जल प्रलय आएगा। अचानक पानी बरसने लगा। पानी बरसता रहा। 40 दिन और 40 रात आकाश से मूसलाधार वर्षा होती रही। शीघ्र ही सारी जमीन पानी से ढक गया। जल बड़ी नदियों के समान बहने लगा और वृक्ष और सबसे ऊंचे पर्वत भी जल से ढक गए। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, सब लोग और पशु जो नाव के बाहर थे मर गए, परंतु वे सब जो नाव के अंदर थे बच गए। वह कैसा दृश्य! हर तरफ पानी ही पानी था। केवल एक चीज जो दिखाई देती थी वह था जल के ऊपर तैरता हुआ नूह का नाव। 40 दिन के बाद ईश्वर ने पृथ्वी पर हवा बहाई और पानी घटने लगा।
और नूह का नाव अरारत की पर्वत श्रेणी पर जा लगा। 40 दिन के बाद नूह ने खिड़की खोली और एक कौवा को छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी का पानी सूख नहीं गया। 7 दिन बाद प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने नाव से एक कबूतर को छोड़ा, जिससे पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। शाम को कबूतर उसके पास लौट आया और उसके चोंच में जैतून की हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पानी घट गया है। फिर 7 दिन बाद नूह ने कबूतर को छोड़ा और इस बार वह लौट कर नहीं आया। इसके बाद नूह ने नाव की छत हटाई और बाहर दृष्टि दौड़ाई। धूप चमक रहा था और पृथ्वी सूख चुकी थी और बहुत ही खूबसूरत नजारा था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अब तुम अपने परिवार के साथ नाव से बाहर आओ और सभी जीव जंतुओं को भी ले आओ। वे सभी पृथ्वी पर फैल जाए, फले फूले और पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति की संख्या बढ़ाए। सभी नाव से बाहर आए और नूह ने परमेश्वर को धन्यवाद स्वरूप एक वेदी बनाई और होम चढ़ाई। नूह ने आकाश की ओर दृष्टि दौड़ाई तो उसने एक इंद्रधनुष को देखा और उसे ईश्वर की वाणी सुनाई दी, अब मैं फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त करती हूँ। मैं फिर आपको एक नई कहानी के साथ जल्द ही मिलने आ रही हूँ। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।